हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फिल इन द ब्लैंक्स विद कॉरस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक नंबर्स। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमें हिंदू अरेबिक नंबर्स गिवन थे और उनको हमने रोमन नंबर्स में चेंज किया था। बट अब जो हमारा क्वेश्चन है वो पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल रेसिप्रोकल है, उल्टा है। यहाँ हमें रोमन न्यूमरल्स गिवन है और हमें इनको हिंदू अरेबिक नंबर्स में चेंज करना है। दिस नंबर, क्या हम क्या देख रहे हैं, आई मीन्स 1 एंड एक्स मीन्स 10। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रेटर सिंबल से पहले स्मॉलर सिंबल आता है, इसका मतलब है कि हमने ग्रेटर सिंबल में से स्मॉलर सिंबल को माइनस करना है। मीन्स 10 माइनस 1 9। तो इस सिंबल, इस रोमन न्यूमेरल की हिंदू अरेबिक नंबर क्या होगा, 9। यू कैन राइट हेयर 9। नेक्स्ट नंबर, सेकेंड पार्ट, x means 10, then i means 1, v means 5. Again, smaller number, greater number. Now we will subtract the value of smaller symbol from the value of greater symbol. So what we will do, we'll subtract 1 from 5 and we get 4. 10 plus 4, 14. The value of this रोमन न्यूमेरल इज 14। ओके, नाउ इन दिस नंबर एक्स मीन्स 10, अगेन 10। दिस नंबर वी हैव ऑलरेडी डन इन फर्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ दिस सिंबल इज 9। सो 10 प्लस 10 प्लस 9, इट बिकम्स 29। हेयर वी विल राइट 29। फोर्थ पार्ट, x प्लस x प्लस x मीन्स 10 प्लस 10 प्लस 10, इट इज 30। 30 प्लस 5, 35, देन 1, 36, अगेन 1, 37। दिस इज 37। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। दिस क्वेश्चन यू विल डू योर सेल्फ। इसमें आपने क्या करना है, आपको एक साइड पर हिंदू अरेबिक नंबर्स गिवन हैं, कॉलम सेकंड कॉलम में आपको रोमन न्यूमरल्स गिवन हैं। दोनों में से एक चीज़ आप करें, या तो इन नंबर्स को आप रोमन न्यूमरल्स में चेंज कर लो, देन मैच दीज नंबर्स, और यू कैन कन्वर्ट दीज रोमन न्यूमरल्स इन हिंदू अरेबिक नंबर्स एंड देन यू कैन मैच बोथ द कॉलम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस फर्स्ट रोमन न्यूमरल इज 2। यू कैन राइट हेयर 2 एंड मैच द रोमन न्यूमरल विद हिंदू अरेबिक नंबर। ओके, इन दिस वे यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। एंड इन क्वेश्चन नंबर 4 अगेन, दिस क्वेश्चन यू विल डू योर सेल्फ, एंड सर्कल द करेक्ट नंबर। Now you know how to write the Hindu Arabic numbers or the Roman numerals in the other system. Means how to write Hindu Arabic numbers in Roman numerals or how to write Roman numerals in Hindu Arabic numbers. In this question, you have to interchange the values. If the question is given in Roman numerals, you have to find your answer in Hindu numbers. If Hindu Arabic number is given, then you have to find the value of this number in Roman numerals. Okay, this question number 3 and 4 you will do yourself. This is your homework. Please students, aap apna homework zarur send kiya kijiye. Nobody is sending me your homework. This is your duty, this is your parents' duty to send me your homework so that I can check, I came to know कि किस बच्चे को क्या चीज़ समझ में आ रही है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी बिफोर 8 o'clock। ओके,